भेज दिया। अभिषेक यस सर। तुम लोग का आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। सर और कोई 29 का पीडीएफ नहीं है क्या? सर, वही फंक्शन का 29 का और हेलो पीडीएफ नहीं है। यस सर। तुम लोग का आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, माइक में प्रॉब्लम है क्या? माइक तो फुल। हेलो भेजा दी। हेलो हाँ, कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर। हेलो 24 क्या? 24 ए टू ए एंड जी ए टू ए आर जस्ट टू बाइजेक्शन देन प्रूव दैट FOG is an injection. FOG is a surjection. Okay. तो इसमें क्या दिक्कत है बोलो सर? वो FOG ये क्या लिखा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। FOG यस सर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है F A to A and जी भी डिफाइंड कर दिया है ए टू ए। कंपोजिट फंक्शन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। सो यहां पे दिखाना है बेसिकली एफ ओ जी इज एंड इंजेक्शन मींस क्या हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मीन्स क्या जी? वन वन बताया हूं ना। यस सर। यस सर। और यहाँ पे एफ ओ जी को फिर से बोल रहा है कि क्या हो जाएगा? ये इज ए सब्जेक्शन। इट मीन्स क्या? सब्जेक्टिव फंक्शन। इट मीन्स क्या? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन यहाँ पे वन वन फंक्शन मीन्स क्या होगा? एवरी इनपुट के लिए। एट मीन्स यहाँ रेंज एज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोडोमेन। और वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? या तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आता है तो क्या होना चाहिए? आउटपुट डिफरेंट होना चाहिए। आउटपुट सपोज मान लो कि अल्फा और बीटा के लिए आया दो पॉइंट के लिए तो क्या होना चाहिए? एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। आई बात समझ में? हेलो ठीक है। ये ध्यान रखना दो डिफरेंट मीन्स हम लोग इनपुट दो डिफरेंट वैल्यू आया एक्स का और दोनों पे हम लोग चेक करेंगे तो आउटपुट हमेशा या तो इसमें इन अगर इस नेचर को रिपीट कर रहा है तो हमेशा क्या होना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। मीन्स अगर इक्वल इसमें लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह से भी लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो ये क्या? अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है वैसे अल्फा बीटा पे तो कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू जीरो लगा रहे हो तो कभी भी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आया तो कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि अल्फा पे और बीटा पे दोनों आउटपुट सेम हो। सिमिलरली इसी में नॉट इक्वल टू अगर गामा तीन पॉइंट्स आ रहे हैं गामा भी आ रहा है डेल्टा भी आ रहा है तो कभी भी ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हेलो ओके। अब देखो एफ ऑफ बी यहाँ पे डिफाइंड किया गया है तो यहाँ पे देखो इनपुट दोनों में सेम है
आउटपुट दोनों में सेम है, तो एफ ऑफ जो जी होगा वो क्या होगा, ए टू ए डिफाइंड होगा कि नहीं, सॉरी इस तरह से लिखोगे, एफ ऑफ जी जो डिफाइंड होगा वो ए टू ए ही डिफाइंड हो जाएगा। हेलो, यस और नो, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन टू फंक्शन ये वन वन तो होगा ही, हर एक का क्या हो रहा है, यहाँ पे दे दिया गया है ए टू ए डिफाइंड है एफ ऑफ जी और जी ऑफ ए। तो अगर हेलो, यस सर, इसके लिए आवाज नहीं आ रहा है मेरे सिस्टम में, प्रॉब्लम तो नहीं है, एक मिनट। अभिषेक, कितने बच्चे हैं इसमें? रुद्रांश, आवाज नहीं जा रही है जी? यस सर। रुद्रांश तो बोलते नहीं हो तुम लोग। अच्छा, अब देखो फंक्शन जो है यहाँ पे ए टू ए डिफाइन है ना, सो इनपुट ए हो गया आउटपुट ए हो गया, मीन्स फंक्शन इफेक्ट इज इक्वल टू, इस तरह से मान सकते हो। तो जो इनपुट होगा आउटपुट हो जाएगा, तो ये वन वन फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, तो ये भी होगा क्या वन वन ऑन टू, यहाँ से मानो ना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया, जी एक्स भी सेम फंक्शन दे दिया गया है ना, क्योंकि इनपुट सेम है आउटपुट सेम है, तो एक्स मान लो तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा जी, एक्स भी हो जाएगा वन वन ऑन टू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये लैंग्वेज में दिखाओगे प्रॉपर, इसका क्या ही प्रूफ करोगे, बट इस तरह से थियोरेटिकली बता सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया तो उसके हेल्प से बता सकते हो। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। हेलो, ओके। अच्छा और कुछ बताना? हाँ, माइक क्लोज करके बोलो, आवाज तुम लोग का बिल्कुल नहीं है, बहुत कम आ रहा है। हाँ, फोटो भेजो अभिषेक, रुद्रांश। यस सर। हाँ, तुम्हारा तो आवाज आ रहा है, बाकी सब लोगों का क्यों कम आ रहा है? इधर सर बादल लगा हुआ क्या सर? 19 नंबर। 19 नंबर, ओके। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप में देख लेना, है ना? 19 नंबर जो है वो डिफाइंड किया गया है W टू W ना, इट मीन्स क्या हो जाएगा जी, W क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है x माइनस वन, इफ x इज ऑड एंड एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x अगर ऑड होगा और एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस वन, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अच्छा, ऑड और इवन हो गया, अब इसमें चेक क्या करना है, सो दैट एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल फंक्शन, सो दैट करना है, सॉरी इसमें सो दैट करना है इनवर्टिबल फंक्शन, है ना? Then find the inverse of f. W is the set of whole number. अच्छा, इसमें mention भी कर दिया है, ये क्या है, whole number. नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? तो इसको लिख सकते हो fx is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x minus 1 when x is equal to 2n plus 1. Yes sir. एक्स बिलोंग्स टू कर लो, बेटर होगा,
यस सर। हाँ x प्लस वन वेन x बिलोंग्स टू टू एन, बोलो टू एन। अच्छा अगर इसको बोले थे जब भी इस तरह से रहेगा तो ट्राई करना कि किससे कर लें, प्रूफ मैपिंग से। एरो डायग्राम बनाए थे ना जी, हेलो, होल नंबर टू होल नंबर इंटीजर्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, बताए थे कि नहीं? यस सर। है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखो इस तरह से बनाओ, होल नंबर है तो इनपुट कहाँ से स्टार्ट होगा, वन टू या जीरो भी होगा, थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, समझ गए हो? आउटपुट भी देखो, आउटपुट भी बना लो, कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन, ये सुनो। अब ध्यान देना, x इज इक्वल टू जीरो इवन है या ऑड है? इवन। अरे बोलो, अरे बदमाश बोलो, इवन या ऑड सर? इवन। हाँ तो x इज इक्वल टू जीरो क्या हो गया, इवन हो गया। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो किस में जाएगा, देखो इवन वाले ये हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो जीरो अगर पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आएगा, ध्यान देना। अगर एक्स इज इक्वल टू वन तो ये क्या है, ऑड है, ये सुनो। सो एफ एक्स इज एफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जाएगा वन माइनस वन, इट मीन्स ये इससे जाएगा, टू रखोगे तो टू इवन है तो किस में जाएगा, टू प्लस वन थ्री, एफ थ्री रखोगे तो किस में जाएगा, थ्री क्या है, ऑड है, तो एफ थ्री रखोगे तो टू, देखो सब वैल्यू इसी तरह से आते चला जाएगा, ये सुनो। देखो ये हमेशा ऑल इवन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट जब भी आएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो ये ऑड है तो ऑड माइनस वन ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और यहाँ से देखो और जीरो से स्टार्ट हो गया ये तो फाइंड आउट कर ही लिए, और यहाँ पे ध्यान देना ये इवन नंबर है तो इवन प्लस वन ये हमें ऑड नंबर, तो ये सारे नंबर्स देंगे, आउटपुट में हमेशा क्या हो रहा है, इवन ऑड मीन सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेंज आएगा, रेंज अगर लिखोगे तो रेंज क्या आ जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर, ये सुनो इसको लिख सकते हो जीरो वन टू थ्री, है ना, और हर एक का क्या है डिफरेंट आउटपुट है, इट मीन्स फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, यस और नो? जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो इसका क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो वो आगे बताऊंगा, अभी इनवर्स फंक्शन तो पढ़ाया नहीं हूँ, तो वो आगे बताता हूँ कि क्या होगा इनवर्स फंक्शन, बहुत सिंपल है इसका, है ना, कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, बट इतना तक तो समझ में आया कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट? हेलो, यस, ओके, और कुछ ना है कुछ किसी को, हेलो हेलो सर, समझ में आ गया सर, कंटिन्यू करें। अच्छा कंटिन्यू करें, अच्छा कंपोजिट फंक्शन ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है क्या, या आगे इनवर्स फंक्शन बता दूं? इनवर्स बता दें, इनवर्स बता दूं, गुड, ओके। इनवर्स फंक्शन देखो, इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा कि फंक्शन इसमें पॉइंट्स लिख लेना कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, बोलो, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स
एफ एक्स मस्ट बी, बोलो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स क्या जी, वन वन ऑन टू। अब ये क्यों होना चाहिए यहां पे बताता हूं, ध्यान देना। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, है ना, ध्यान दो। अगर इस तरह से है ना, अगर ए टू बी डिफाइंड है राइट, फंक्शन क्या है ए टू अगर डिफाइंड है तो ध्यान देना, हर एक का देखो ए टू बी में फंक्शन तो डिफाइंड है कि नहीं, ये सर नो, बोलो ये सर नो, फंक्शन है ना जो डायग्राम बनाया वो, हाँ। तो फंक्शन अगर देखो इसके जस्ट रिवर्स में अगर डिफाइंड करेंगे, फंक्शन फ्रॉम बी टू ए अगर लिखते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, जो भी फंक्शन हो, फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, देखो बी वन यहाँ लिख लेंगे, बी टू लिख लेंगे, yes, ये क्या है ए ए टू बी है ना, सो ए टू बी है, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, और क्या होगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। तो देखो बी वन के क्रॉस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसमें यही होता है, इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, रेंज डोमेन बन जाएगा, और डोमेन क्या होगा, रेंज बन जाएगा, बस यही होता है। अब देखो बी वन के क्रॉस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आउटपुट, ए टू, B2 के corresponding बोलो A1, B3 के A4, तो यहां भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन था वो क्या था, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये सुनो, देख रहा है, दिख रहा है, क्लियर है, यस, ऑब्जर्व करने से दिख रहा है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है ना। अब ध्यान देना यहां देखो, ये भी जो फंक्शन अगर उल्टा जस्ट किया है, ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे रेंज है, ऑन टू फंक्शन है तो ये डोमेन, सो रिलेट करके देखो वो क्या रहा है, डोमेन यहाँ पे चला गया, मीन्स इसके लिए अगर देखा जाए तो ये वाले रेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और ये रेंज बन गया क्या है, डोमेन, ये सुनो, यस, और यही बेसिकली क्या है कि इनवर्स ऑफ इफेक्ट, इनवर्स फंक्शन ऑफ इफेक्ट बोल सकते हो, ज्यादा क्लियर रहेगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ इफेक्ट, क्लियर है ना। अब देखो क्यों यही होना चाहिए और वन वन ऑन टू, अदर फंक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, तो यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सपोज इस तरह के कोई फंक्शन आ गया है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, यहाँ पे देखो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, अब ध्यान देना इसमें क्या किया, बी फाइव लिख लिए, चलो इसमें किया क्या कि ए वन के क्रॉस्पॉन्डिंग बी टू मिला, ए टू के क्रॉस्पॉन्डिंग बी वन मिला, ए थ्री के क्रॉस्पॉन्डिंग बी फाइव मिला, ए फोर के क्रॉस्पॉन्डिंग बी थ्री मिला, ये एफ ए टू बी डिफाइंड है ना। अब देखो तो बी टू ए डिफाइंड होगा, नो सर, क्योंकि देखो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग और कुछ नहीं है सर, हाँ बी फाइव, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, बी वन के क्रॉस्पॉन्डिंग ए टू मिल जाएगा, बी टू के क्रॉस्पॉन्डिंग ए वन मिल जाएगा, ए थ्री के क्रॉस्पॉन्डिंग बी थ्री गया तो बी थ्री के क्रॉस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए थ्री, बी थ्री के क्रॉस्पॉन्डिंग ए थ्री, एंड ए फोर के क्रॉस, सॉरी इसके क्रॉस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा जी, बी थ्री के क्रॉस्पॉन्डिंग ए फोर, और बी फाइव के क्रॉस्पॉन्डिंग बी फोर के क्रॉस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, बी फाइव के क्रॉस्पॉन्डिंग है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नो सर नहीं ना, तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन क्या था,
वन वन इंटू फंक्शन था, देखो इसके लिए एग्जिस्ट नहीं किया, नहीं ना किया ये सुनो। अब देखो वन वन इंटू के लिए तो नहीं किया, एक मिनी वन ऑन टू ले लेते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, बी वन बी टू बी थ्री, है ना, मिनी वन ऑन टू ले लिए। चलो इसके क्रॉसकॉर्डिंग ये मिला, ओके। अब देखो ये ए टू बी डिफाइंड है ना फंक्शन, तो क्या बी टू ए डिफाइंड होगा, इधर से इधर फंक्शन डिफाइंड होंगे रिवर्स में, बी वन बी टू बी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। देखो ए वन के क्रॉसपॉन्डिंग बी थ्री मिल रहा था, ए वन के क्रॉसपॉन्डिंग बी थ्री, तो बी थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग ए वन। यहाँ देखो ए टू के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिल रहा था, बी वन, तो बी वन के क्रॉसपॉन्डिंग ए टू, कोई दिक्कत नहीं। ए थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग बी थ्री मिल रहा था, तो ए थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग बी थ्री, तो बी थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग ए थ्री, है ना। तो यही पे फंक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। ये सुनो बी टू ए फोर के क्रॉसपॉन्डिंग मिल रहा था, तो कहाँ पे फेल हुआ, सो बी थ्री का यहाँ पे जो है आउटपुट दो मिलेगा, क्या है दो आउटपुट, कौन कौन सा मिला जी, ए वन ए वन ए थ्री, ए वन ए थ्री, ए वन एंड ए थ्री। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं होगा, मीन्स ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, नहीं ना। ये सुनो सर, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना कि दिस इज नॉट ए फंक्शन, मीन्स ये क्या था मेनी वन ऑन टू, इसके लिए फंक्शन इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब क्या ले लिया, मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू के लिए भी मेनी वन आ गया, तो उसके लिए तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो सबका कैसे समझ में आ गया ना, इट मीन्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वन वन ऑन टू, और बताना पड़ेगा या इतना से क्लियर हो गया कि वन वन ऑन टू ही होना चाहिए, क्लियर है ना। यस सर, यस सर, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए, तभी उसके इनवर्स फंक्शन क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, राइट ना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट लिखना, इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स एक्स, है ना। ऐसा यहाँ पे नहीं समझना एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू वन बाई एफ एक्स होगा, है ना, और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का इनवर्स हो जाएगा। ये सब क्या है, गलत है। आई बात समझ में, yes. ऐसा नहीं समझना, एफ इनवर्स एक्स इस तरह से लिखा जाएगा, क्लियर है। यस सर, ओके। देन सेकंड पॉइंट ध्यान देना, बहुत सिंपल है। एफ अगर ए टू बी डिफाइंड है ना, ये क्या है फंक्शन है, देन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स फंक्शन है ना ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, देन जी एक्स कैसे डिफाइंड होगा, जी एक्स ऐसे लिख सकते हो या एफ इनवर्स भी लिख सकते हो, है ना, जी जो डिफाइंड होंगे बी टू ए, ये सुनो समझ में आया, और इसको लिख सकते हो एफ इनवर्स जो डिफाइंड होगा वो बी टू ए डिफाइंड होगा। आई बात समझ में, ये पॉइंट बता रहे थे ना कि सिर्फ चेंज हो जाता है, ये देखो डोमेन चेंज, यस एक्सचेंज हो गया, हाँ यहाँ पे देखना इससे कंपेयर करना, ये वाले ओरिजिनल फंक्शन था, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन ऑफ जी एक्स, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्लियर है, यस सर, ओके। तो ये ध्यान रखना, अब देखो फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ,
सर दो क्लास के बीच में ही छूट गया सर, 10 था 8 रह गया। क्या सर 10 ज्वाइन किया था अब 8 रह गया। अच्छा 10 ज्वाइन किया था 8 रह गया। ओके यस। अच्छा पता नहीं क्यों नहीं, लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ओके जी एक्स इज द इनवर्स फंक्शन of fx, then देखो f of gx means composite function पढ़ा है ना, is equal to g of fx, दोनों का जो value होगा वो क्या होगा x के equal होगा। आई बात समझ में दोनों, या इसको separate भी लिख सकते हो separately अलग अलग, this is equal to क्या हो जाएगा x हो जाएगा, या g of fx भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जैसे बता रहा हूं यहां ध्यान देना, f है जो a टू b डिफाइंड है ना, g है जो क्या हो जाएगा b टू a डिफाइंड होगा। आई बस समझ में, हेलो यस सर। सो यहां पे अगर f ऑफ g करेंगे तो क्या लिखेंगे, a to a, a to a, sure है ना, yes sir, a to a, कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाले बीच वाले गायब हो जाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, या b to b, हेलो वो तो सर जी जी ओ एफ में ना। हाँ तो ये ध्यान है ना, ये ऑलवेज ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। अब एक पॉइंट इसमें ये क्या हो गया थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में ध्यान में रखना कि इनवर्स फंक्शन of fx is reflection of fx with y is equal to x line, clear है ना। अब ये होता क्या है, तो basically fx का reflection होता है y is equal to x के साथ, है ना, ये ध्यान देना कि जैसे ये y is equal to x line है, तो दिक्कत नहीं ना। सो अगर ये एफएक्स हो गया इस तरह से गया हुआ, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफएक्स, तो इसी का जो रिफ्लेक्शन जाएगा कि क्या हो जाएगा, सेम इमेज है ये, बेसिकली क्या है इमेज ऑफ एफएक्स विथ वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, कोई दिक्कत नहीं ना, यही क्या हो गया एफ इनवर्स एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम, ध्यान में आया? यस सर। यह हमेशा याद रखना कि बेसिकली एस इनवर्स एक्स होता क्या है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके अब देखो इसी में, जैसे एग्जांपल में वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है ना, ये एफ एक्स हो गया, तो एस इनवर्स एक्स जो इसका होगा तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये क्या होता है y is equal to x, इस तरह से जाता है ना। अब इसका ही रिफ्लेक्शन लोगे तो रिफ्लेक्शन बेसिकली log x आ जाता है। yes, ये क्या है f इनवर्स x, अगर यहाँ फाइंड करोगे ये क्या हो जाएगा log x, और ये क्या है fx is equal to e to the power x, इसका इनवर्स देखोगे तो ये आएगा, और अगर इसका इनवर्स निकालोगे तो ये आएगा, दोनों एक दूसरे का, ऐसा नहीं है कि e टू द पावर x का इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो ये आएगा, है ना, और
अगर एच इनवर्स एक्स का फिर से इसका इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो ये होगा। अगर इसको जी एक्स लिख रहे हो इट मीन्स आप समझना कि जी एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो ई टू द पावर एक्स आएगा, मीन्स लॉग एक्स का इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इनवर्स लॉग एक्स, एक दूसरे का क्या होता है इनवर्स होता है। कोई दिक्कत? हेलो यस नहीं समझ में आया, क्योंकि इसका मिरर इमेज ये हो गया और इसका मिरर इमेज ये हो गया तो एक दूसरे का क्या होता है बेसिकली इनवर्स होता है। किसी को एक को इनवर्स फंक्शन मानो तो अगला क्या होगा उसके इनवर्स हो जाएगा है ना, दोनों में से किसी को मानो तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा फर्स्ट वाले का। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना। हेलो। यस सर। ओके चलो तो ये ध्यान रखना कि एफ ए टू बी है और जी बी टू ए है तो यहाँ पे एफ ऑफ जी का जो डिफाइंड होंगे वो कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा जी, इनपुट क्या रह जाएगा बेसिकली ए टू ए, ए टू ए। ये ध्यान रखना कि बीच वाले गायब हो जाएंगे, आई बात समझ में, ये इनपुट ठीक है। कोई दिक्कत सर? और जी ओ एफ करेंगे तो ए टू बी टू बी रहेगा। हाँ वो बेसिकली एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो एरो डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एफ फंक्शन है ना, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ये सेट बी हो गया और ये ए हो गया। यहाँ पे बना लो क्या जाएगा, जी फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं है ना, यहाँ पे बी वन बी टू बी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री राइट। अब लिख सकते हो ए वन के करस्पॉन्डिंग सपोज सीधा सीधी दे दिए इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो बी वन के करस्पॉन्डिंग ए वन मिलेगा, ऐसा होगा ना? यस और नो? हेलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ जी फाइंड कर रहे हैं है ना, बेसिकली ये क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा, तो इनपुट होगा है ना, तो इनपुट यहाँ पे क्या जा रहा है जी एक्स का इनपुट, तो जी एक्स का इनपुट जी एक्स इनपुट हो जाएगा, तो जी एक्स का इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, हेलो बी वन बी टू बी थ्री। अच्छा इनपुट बेसिकली बी वन बी टू बी थ्री है ना, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे जो आएगा ये जो आएगा वो करेक्शन कर लेना, एफ ऑफ जी जो वैल्यू आएगा डिफाइंड होगा वो क्या हो जाएगा बी टू बी, ये सुनो, और जी ऑफ एफ जो डिफाइंड होगा वो ए टू ए हो जाएगा। दोनों में एक ही आएगा, यहाँ पे तुमको डिफरेंट दिख रहा है बट दोनों में क्या होगा एक ही आएगा अगर इस तरह से फाइंड आउट करेगा तो, जी ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स क्यों आएगा वो बताता हूँ। हेलो यस सर। ठीक है ये क्लियर हो गया ना इससे, क्योंकि देखो यस सर इनपुट फाइनली क्या होगा, इनपुट तो यही रहेगा ना एक्स, ये फाइनली इनपुट ही रहेगा, उसी का क्रॉसपॉन्डिंग जी एक्स हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए एफ के लिए इनपुट आ रहा है क्या जी ऑफ एक्स है ना, बट एक्स ही इनपुट है तो एक्स इनपुट यहाँ पे क्या रख रहे हो बी वन बी टू बी थ्री, ये बेसिकली बी वन बी टू बी थ्री रख रहे हो, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या दे रहा है ए वन ए टू ए थ्री दे रहा है। अब ए वन ए टू ए थ्री ये बेसिकली इनपुट यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट क्या दे रहा है बी वन बी टू बी थ्री, सो ये बी वन बी टू है ना। सो फाइनली क्या होगा कि जो फंक्शन डिफाइंड होंगे वो सेट लिखना ए टू ए बी टू बी, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सेम होगा दोनों, आई बात समझ में?
बताने का ये पर्पस है कि यहाँ पे इनपुट सेम होगा आउटपुट भी सेम होगा, आई बात समझ में? तो हमेशा ऑलवेज जो आएगा वो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स ऑलवेज, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स फंक्शन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? No, किसी का भी हो सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख, ठीक है? Yes. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं ना। अब देखो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन होता क्या है, एफ एक्स का रिफ्लेक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, है ना? और ये भी ध्यान रखना कि ऑलवेज अगर इस तरफ से किया गया है ये वाई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स, सो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दो ग्राफ तो ऑलवेज इंटरसेक्ट कहां पर करेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे करेगा। ध्यान दो यहां पे नोट में ये लिखना, ये क्या है एफ एक्स है एंड ये एफ इनवर्स एक्स है, सो एफ एक्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। सो अगर बोलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू समटाइम्स, तुमको अगर क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है एफ इनवर्स x से इक्वेट कर दिया गया तो डायरेक्टली क्या करना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स करना और वैल्यू फाइंड कर लेना, वैल्यू ऑफ x, समझ में आ रहा है ना? इनवर्स फंक्शन और एफ एक्स को अगर इक्वेट किया हुआ है तो ऑलवेज क्या करना, एफ एक्स को x के इक्वल कर देना, इनवर्स फंक्शन फाइंड मत, किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हो, है ना, एफ इनवर्स एक्स के साथ भी इक्वेट कर सकते हो और यहाँ लिखना है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कर सकते हो, देन फाइंड इट, दोनों में से कोई वन और टू दोनों में से एक ही कर सकते हो, है ना? नहीं समझ में आया, अगर ये फाइंड करना है ये पॉइंट तो नहीं समझ में आया क्योंकि दोनों का एक क्या है रिफ्लेक्शन है तो इसी तरह से इंटरसेक्ट यही करेगा, अगर कुछ y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गया ये ग्राफ इस तरह से गया है तो इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, यहाँ पे नो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, रियल आएगा इसके केस में। ये सुनो, यस सर, हेलो, ओके, अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं अगर कुछ दिया हुआ नहीं है x पे कंडीशन कुछ दिया हुआ नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेंगे, मीन्स समझ रहे हो ना, अगर फाइंडिंग फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन of x, अच्छा अब इसमें क्या होगा कि sometimes क्या होगा कि x का वैल्यू दिए हुए रहेंगे, x का इंटरवल sometimes क्या रहेगा कि x दिया हुआ ही नहीं रहेगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड करें x फंक्शन के लिए तो पहला इसमें चेक नहीं करना है क्योंकि वो दिए हुए रहेंगे कि वन वन ऑन टू फंक्शन है, आई बात समझ में? हेलो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस, इट मीन्स क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट उसका वन वन ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है, उसमें डायरेक्टली क्या करेंगे इनवर्स फंक्शन फाइंड कर देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो इसमें ध्यान देना कि एक केस में लिखना एफ डोमेन एंड को डोमेन नॉट गिवन, है ना? तो इसमें क्या करेंगे एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली इसको लिख लो
स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस कर लेंगे, जो कि रेंज में बताए थे जब वहां पे डोमेन बिलोंग टू आर रहता था या आर माइनस सम फाइनाइट वैल्यू रहता था, बताए थे ना वहां पे, याद है कुछ? देन यहां पे क्या करोगे कि देन वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स से, है ना, रिप्लेस कर देंगे, एंड एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, एफ इनवर्स एक्स से। प्रोसेस समझ में आया क्या किए जे? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बेसिकली है वाई इज रिप्लेस्ड बाई एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एफ इनवर्स से, कोई दिक्कत? हेलो, जैसे देखो एग्जांपल में बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, बताओ इनवर्स फंक्शन इसका, फाइंड इनवर्स फंक्शन। बोलो देखो क्या होगा, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, क्या बताएं, एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, वाई क्या होगा, थ्री होगा। हेलो, तो क्या बोले थे कि यहाँ पे y को रिप्लेस करेंगे x से और x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से, है ना, इट मीन्स ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस वन वाई। नहीं समझ में आया, क्लियर है? यस सर। ओके, यही बोले थे, एग्जाम्पल से अगर देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो देखो एक ही फंक्शन लेना, दो फंक्शन यहाँ पे आएंगे बट एक ही फंक्शन को बोलना है, या दोनों को अलग अलग डिफाइंड करोगे ना उसके डोमेन में तो दोनों इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे, अलग अलग डिफाइंड करोगे, नहीं तो एक ही फंक्शन बोलना है इनवर्स। क्या आ जाएगा देखो, रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल वाई माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस वन, है ना, तो एक पॉजिटिव वाला ले लो यहाँ से, कोई भी सिलेक्ट कर लो, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो अब यहाँ पे ये एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वन। समझ में आ गया, एक ही दोनों में से कोई एक, एक बार में एक ही करना है, ये नोट में लिख लो, इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, है ना, कभी रिफ्लेक्शन दो पॉसिबल है क्या एक ऑब्जेक्ट का एक ही मिरर के साथ? नो सर। हेलो, नहीं ना, तो ये समझ लिया ना, बेसिकली रिफ्लेक्शन है तो कभी भी रिफ्लेक्शन मोर देन वन पॉसिबल ही नहीं है, एक ही रिफ्लेक्शन होगा, एक ही इमेज बनेगा, है ना, इट विल क्या होगा, यूनिक आएगा, क्लियर है? यस सर। और भी एग्जांपल दूं, जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, इसका बता सकते हो या सिंपल कर लो इस तरह से भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे एक्सप्रेस करना है तो क्या, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस
टू माइनस वाई इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स नाइन माइनस फोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, तो वन इंटू टू माइनस वाई, अब आई टू ए, टू इंटू वन, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। हेलो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस दो वैल्यू आ रहे हैं, यहाँ पे नाइन कितना आ जाएगा, वाई प्लस फोर वाई प्लस वन आएगा। यस सर। हेलो, ओके, वाई क्या हो जाएगा टू। सो अब क्या करना है कि यहाँ से एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वाले ले लिए, क्योंकि यूनिक पता है ना जी, या तो माइनस वाले लो या तो प्लस वाले लो, दोनों में से कोई भी। अब इसके लिए लिख सकते हो एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस स्क्वायर रूट फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हेलो, यस सर, यस सर, ओके। अब सर हमेशा प्लस वाला ही लेंगे साइन, नहीं माइनस वाले भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लो, ये ले, प्लस वाले आप कंसीडर कर लिए हैं, सर थोड़ा सा ऊपर करिए, वाले नहीं कंसीडर, हां तो आंसर अलग आएगा ना सर, तो दोनों में से एक ले, आंसर पे डिपेंड करेगा, एक ही आंसर होगा दोनों में से, ये हो सकता है। और मैं लिख लो एस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आंसर अलग नहीं होगा, थ्री माइनस फोर एक्स, अब क्लियर है, yes, sir. तो, क्लियर है ना, दोनों में से एक ही आंसर बताना है, ओके, yes. बोलो, yes, sir. इसका फाइंड करो, एक्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड कर लोगे जल्दी से बताओ। एक्सप्रेस करना है मीन्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई हो जाएगा, इसको वाई बोल दो, एक्स प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, ए टू द पावर वाई माइनस क्या लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ई टू द पावर टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ई टू द पावर वाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू ई टू द पावर वाई एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर टू वाई माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ई टू द पावर क्या हो जाएगा वाई, सो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, यस और नो। हेलो, नहीं समझ में आ रहा है, यस सर, आगे समझ में, यस सर, बोलो, ओके, सिर्फ एक्सप्रेस करना है ना, अब देखो सेकंड कंडीशन ए बताया था, कंडीशन बी में व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन प्रोवाइडेड, तो क्या करना है, फर्स्ट में चेक फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, ये स्टेप वन होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, देन क्या करेंगे, सेम फॉलो, इफ अगर रहेगा तो फॉलो स्टेप, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, अगर नहीं रहेगा तो क्या करना है, उसका फाइंड आउट करना ही नहीं है, यस और नो, यस, किसी को कोई परेशानी, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना,
यहाँ नोट में लिख रहे जी ऑफ एफ का इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स होता है, ये ध्यान रखें। ओके, अगर देखो क्वेश्चन में समटाइम्स अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये भी नोट में लिख लेना कि एफ इनवर्स अगर एक्स इज इक्वल टू इस तरह से है तो इसको टी एज्यूम करना है ना, ले ऐसे भी बना सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, इट मीन जो ये वैल्यू है एफ इनवर्स एक्स। हेलो, यस सर। अगर देखो एफ एक्स अगर ये यहाँ पे समझने का कोशिश करना, बेसिकली एफ ए टू अगर बी डिफाइंड है तो एफ इनवर्स जो होगा वो बी टू ए डिफाइंड होगा, है ना। अब ये ध्यान देना, अगर इसका ए वन पे आउटपुट क्या दे रहा है, बी वन दे रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो बेसिकली होगा वो बी वन पे ए वन दे रहा होगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये बेसिकली क्या है, इनपुट फॉर आउटपुट नहीं है एफ पे। यस सर नो? हेलो, यस सर, यस सर। एक मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। और एक्स का बात किया जाए, ये वाला जो एक्स रहेगा वो आउटपुट होगा ऑफ एफ एक्स का, कोई दिक्कत? बोलो, इस तरह का एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, नहीं समझ में आया तो बोलो। आ गया सर। आ गया ना, ध्यान दे। तो हमेशा क्या है, इस तरह से ही समझना कि x जो रहेगा वो आउटपुट ऑफ एफ एक्स का रहेगा, और इनवर्स x ओवरऑल जो वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो इनपुट होगा, है ना। इस पे क्वेश्चन एक करवाता हूँ, इनवर्स फंक्शन अब फाइंड आउट कर लोगे? यस सर। ओके, एग्जाम्पल में आप दे रहा हूं, जैसे यहाँ ध्यान देना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सो यहां से क्या करना है, जैसे x इनवर्स अगर पूछा जाए कि जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ, तो फाइंड करके क्वेश्चन समझ में आया, तो आ गया समझ में। अगर यहां से दे दिया गया कि ये डिफाइंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 के लिए, है ना, तब बताना, बताओ एस इनवर्स जीरो इज इक्वल टू, मेरे से ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थ्री बाई टू आएगा। अच्छा क्या बताया, अभी लिखवाया हूं,
क्या बोले थे? कि इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या समझना, मतलब ये क्या है, ये जीरो है जो आउटपुट है, ये सुनो। यस सर। यस सर। सो आउटपुट ऑफ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से एक्स फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, वन पॉमा टू आएगा। यहाँ से देखोगे कि वैल्यू क्या होना चाहिए, थ्री बाई टू से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा। नहीं समझ में आया? हेलो। यस सर। समझ में आया अभी? क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, बस वो रिलेट कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और इसको बनाने का तरीका है कि एफ इनवर्स जीरो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, टी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे भी बोलो ना। तो ये ध्यान रखना, जब टी लेट कर लोगे तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इट मीन्स एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो, वन वन कॉमा टू। अब t बेसिकली x ही है ना, तो यहाँ पे 3 बाई टू से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। आई बात समझ में? Yes, अगर yes. डोमेन नहीं, डोमेन को डोमेन गिवन है तो एक बार चेक कर लेना, देन इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेना, इनवर्स फंक्शन फिनिश हो गया, इसके अलावा कुछ बताना भी नहीं है इसमें, है ना। एक कुछ क्वेश्चन दे दूं और बुकलेट से भी इनवर्स वाले दे दूंगा। yes. होमवर्क में रहेगा, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। समझ में आया जी इनवर्स फंक्शन? यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस फाइव टू द पावर सेवन टू द पावर वन बाई फाइव सेकेंड। एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन थ्री एफ वन टू इंफिनिटी टू टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। यहाँ पे ध्यान देना, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, और दिया हुआ है जी ऑफ एफ का इनवर्स 64, है ना, दिस इज इक्वल टू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आउटपुट ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ, है ना, वो ध्यान रखना। इसको बनाने का तरीका, जी ऑफ एफ इनवर्स 64 दिया हुआ है, इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लेना, देन जी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब जी ऑफ एफ यहाँ पे फाइंड कर लो टी का वैल्यू, है ना, एफ एक्स दिया हुआ है जी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पुट कर लेना टी का वैल्यू, फाइंड कर लेना, वही वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? यूनिक वैल्यू होगा, है ना। yes. कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स एक ही वैल्यू आएगा। Yes. तो ट्राई करना जितना इनवर्स फंक्शन में हुआ। इसके साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखो ये सिंपल है, जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, है ना, तो दिक्कत। तो अगर एफ एक्स प्लस वन करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस वन से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन हो जाएगा। एफ अगर एक्स का वैल्यू साइन रूट एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है ना, एफ एक्स प्लस वन बाई टू का वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर रहेगा, उसी के डोमेन में चेंज करना है, तो साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू प्लस थ्री
एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर, ये तो किसी से भी चेंज कर सकते हो। अब देखो अब एग्जांपल में एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दिया होगा, हेलो यस सर, अगर वैल्यू पूछा एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है फोर है ना, तो अगर एक्स का वैल्यू पूछा जाए तो यहां से फाइंड कर सकते हो, इट मींस क्या रहा होगा एफ 64 का वैल्यू रहा होगा, 64 आएंगे ये सर ना। अब ऐसे ही एग्जांपल में हो सकता है कि एक्स वाई भी इन्वॉल्व करेगा, एफ एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है एक्स वाई राइट, इस तरह से दिया हुआ है, अब बोलेगा यहाँ से फाइंड करने की एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ फाइंड करने के लिए क्या करना, इस टाइप का प्रॉब्लम जब आएगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इस टाइप का दिया हुआ रहता है, तो इसको यू मान लेना है और इसको क्या करना है वी मान लेना, उसको लेट कर, हाँ लेट करके क्या करोगे इस तरह से फाइंड कर लेना, ये सब भी आते हैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आई बात समझ में? अब क्या करोगे कि एफ यू कॉमा वी फाइंड करके अगले क्लास में देख लेना, यहाँ पे यू रखोगे यहाँ भी, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, अब एक्स वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू वी रख लोगे तो यहाँ पे यू वी एफ यू और वी का वैल्यू आ जाएगा, और फिर यू को एक्स से और वी को वाई से रिप्लेस कर लेना, समझ में आ गया? हेलो yes. नहीं आया समझ में आया yes. नहीं यस सर, ये बताऊं इसको कंप्लीट करके देखेंगे अगले क्लास में बताइएगा, हाँ करके देखेंगे ओके अगले क्लास में, हाँ क्या बताएं वो समझ में आया ना यस सर, वैल्यू सब यहाँ पे क्या करना है सब्स्टिट्यूट कर देना, और फिर यू वी के टर्म्स में यहाँ भी ले आना और फिर क्या कर देना फाइनली जो करना कि यू को एक से रिप्लेस कर देना और वी को वाई से रिप्लेस कर देना, ठीक है ओके। देन एग्जांपल इस तरह से और भी एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो यहां से बोलेगा कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा या एफ ऑफ वाई क्या होगा या एफ ऑफ जेड क्या होगा, और ऐसे भी पूछ सकता है कि एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा, है ना दोनों में से कोई। तो देखो यहाँ पे इनपुट इस तरह से टर्म्स में दिया हुआ है, इसको भी उसी के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कभी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो क्या करना कि एक ये एक्स प्लस वन बाई एक्स है इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ये सो नो एफ एक्स का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू हो गया, यही फंक्शन हो गया, अगर वाई पूछेगा तो वाई स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, क्लियर है? इसी तरह से चेंजेस किया जाएगा, तो कुछ नोट में लिख लेना है स्पेशल टाइप के फंक्शन है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं ना? अच्छा आगे बताऊं? यस सर। तो इसमें नोट में लिख लेना, जैसे देखो एक एग्जांपल और लिख लो, इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेंगे, थ्री एफ एक्स इज इक्वल टू टू एफ एक्स प्लस 59 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 10x plus 30.
तब पूछेगा कि f ऑफ 7 का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार क्या करना कि x इज इक्वल टू 7 रखना, तो देखो यहाँ तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 59 66, 7 माइनस 1 दैट मींस f ऑफ 11 आएगा। तो एक बार क्या रखना ना, x को रिप्लेस कर देना 11 से, आई बात समझ में, यहाँ f 11 आ जाएगा, यहाँ पे f 7 आ जाएगा, फिर लीनियर के टाइप में आएंगे कैंसिल आउट करके, फिर f ऑफ 7 का वैल्यू फाइंड कर लोगे। समझ में आया? हेलो, नहीं समझ में आया? नो सर। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 पुट करना है ना, तो यहाँ पे इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 11। तो एक बार क्या करना, x इज इक्वल टू 11 पुट करना, दो इक्वेशन दो अननोन, नहीं समझ में आया? और दो को लीनियर फॉर्म में करोगे तो f ऑफ 7 को एलिमिनेट कर देना, पुटिंग x इक्वल टू 11, समझे? ये एक इक्वेशन आएगा, ये सेकंड, फिर लीनियर फॉर्म में आएगा, f ऑफ 7 दोनों में इन्वॉल्व होंगे और f ऑफ 11 दोनों में इन्वॉल्व होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देना, दोनों तरफ रखना x का वैल्यू, ठीक है? यस सर। समझ में आया या बता दूं किसको? सर बता। देखो x इज इक्वल टू क्या करना है, 7 तो f ऑफ 7 फाइंड करना है ना, तो चलो x इज इक्वल टू 7 पुट कर लिए, ठीक, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा, 3 f ऑफ 7 प्लस 2 f ऑफ देखना 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में 7 पुट कर रहे हैं, 70 प्लस 30 100, यस और नो? यस। अब देखो यहाँ पे 11 आ गया, तो अब 11 f ऑफ 11 को एलिमिनेट करने के लिए x इज इक्वल टू 11 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 पुट, तो 3 f ऑफ 11 प्लस 2, यहाँ देखना f ऑफ 7 आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही सेट करके दे रहा है, तो 11 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या 110 प्लस 30 140, अब दो लीनियर इक्वेशन आ गया। हाँ, अब हो जाएगा ना, अब एक को एलिमिनेट करना है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ फंक्शन डायरेक्टली दे दूंगा, उसको ध्यान में रखना है, लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको ध्यान में रखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बट ये होमवर्क में है, इतना करके आना, अगर ओके और कुछ प्रॉब्लम करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्या लिमिट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स, एक एग्जांपल और बना करके आना, और बुक्स में भी मिल जाएंगे। 2 f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू f x टू द पावर y प्लस fx टू द पावर x, है ना? तो इसमें फाइंड करना है f1 इज इक्वल टू 2 दे दिया है, देन f ऑफ 10 का वैल्यू फाइंड करना, ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी बताऊंगा, ठीक है? यस सर। हेलो, यस यस सर। लिमिट स्टार्ट करूंगा, वो इजी होगा वहां से, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर, बनाएंगे तो अगले क्लास में। हां ठीक है, ओके सर। रिवीजन उसमें होमवर्क लिख करके दे दूंगा। हाँ क्या सर, रिवाइज करके एक बार फिर पूछेंगे अगला क्लास में, ठीक, ओके। अच्छा सर, ये 29 का और कोई पीडीएफ है आपके पास क्या? नहीं, दोनों तो सेंड कर दिया हूँ, वही था ना 29 का ही है वो, देखो ना पढ़ाया। हाँ सर, वो देखा सर, पर वो दोनों हम दोनों की क्लास का नहीं है सर, उसमें जो देखना था वो भी नहीं था। नहीं तो 29 उसके पहले वाला बोलोगे तो पहले वाले भेज दूंगा, क्योंकि वो दो ही क्लास लिया हूँ, तुम लोग ने भी वही लिया था। अच्छा सर, ये सर वो सिंपल जिसमें डोमेन वगैरह बताया था ना कि रूट के अंदर होता है तो जीरो से बड़ा होगा, या हाँ वो वाला उसमें, ठीक है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है सर? अगर नहीं होगा तो सर वीडियो भी अगर डाल दीजिएगा तो बता दीजिएगा। ओके ओके ठीक, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, चलो ठीक है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।
बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर।